पीटीआई हुकूमत ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। केएमसी को विफाक से 5 अरब तो दरकिनार, 5 रुपए भी नहीं मिले। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की तब्दीली सरकार पर लफ्जी गोलाबारी। बोले हैदराबाद में यूनिवर्सिटी, थरपारकर में हस्पताल और कराची पैकेज सिर्फ ऐलानात तक महदूद हैं। विफाकी हुकूमत ने सिंध में कोई नया तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया, बस अधूरे मंसूबों पर फीते काटने की कोशिश की। मैं तो आज भी बहसियत शहरी के ये बड़ी मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि वादा करो तो होमवर्क करने के बाद वादा करो, वादा करो तो उस वादे को वफा करो। मैं यहाँ पर एक बार फिर ये मुतालबा करना चाहूँगा कि जो ऐलान इन्होंने मेयर केएमसी के हवाले से 5 अरब रुपए का किया है कि हम दे चुके हैं, मैं गुजारिश करूँगा कि उसके शवाहिद पेश करें कि वो 5 अरब रुपए इन्होंने मुंतकिल किए हैं कि नहीं किए, और अगर मुंतकिल नहीं किए तो मैं मेयर केएमसी के साथ खड़ा हूँ इस बात पे कि फौरी तौर पर वजीर आजम ने जो ऐलान किया था कराची के हवाले से, हैदराबाद के हवाले से, वो फौरी तौर पर पैसे मुंतकिल किए जाएं। देखिए 18 से 19 माह हो गए इस हुकूमत को आए हुए, कोई एक मुझे प्रोजेक्ट बता दीजिए कराची शहर के अंदर जिसकी संगे बुनियाद उन्होंने रखा हो, कोई एक प्रोजेक्ट बता दीजिए। मैं हकायक पर मबनी बात करता हूँ, उन्होंने तो माशाल्लाह हैदराबाद की यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में बैठ के उन्होंने इनॉग्रेट कर दी थी, आज तक बजट की किताब में उस यूनिवर्सिटी के लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए। जमीन कहाँ है किसी को नहीं पता, वो यूनिवर्सिटी कहाँ है किसी को नहीं पता, उसका चार्टर क्या है, क्या चार्टर होगा, क्या है किसी को नहीं पता। कोई एक प्रोजेक्ट अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आता, और ये शो करता है कि माजी की हुकूमत के बनाए हुए प्रोजेक्ट को, कंसीव किए हुए प्रोजेक्ट का फीता काटने के लिए गवर्नर साहब आ रहे हैं, वजीर आजम आ रहे हैं।